हम लोग लगातार महीनों से धरना प्रदर्शन से लेकर के ज्ञापन तक किए, डीएम का घेराव किए, डीएम साहब को ज्ञापन दिए, उसके बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय वीसी साहब को ज्ञापन दिए, टीडी कॉलेज में प्राचार्य को ज्ञापन दिए, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे हम लोग 4 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, तब भी कोई सुनने वाला नहीं है। प्राचार्य का कहना है कि आप लोग बैठे रहिए, हमसे कोई मतलब नहीं, आप मर जाइए चाहे जो करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे बैठे रहिए। उसके बाद आज हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है अपने रक्त से, उनसे निवेदन किए हैं कि माननीय आप अब लास्ट आप ही हैं, उसके बाद अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो हम आमरण अनशन और ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे हैं यहाँ पे BSC AG के लिए ICR और छात्रावास के लिए, छात्रावास जिसमें शिक्षक और कर्मचारी कॉलेज के रहते हैं, और छात्र जो पूर्वांचल पूरे पूर्वांचल में TD कॉलेज जाना जाता है, TD कॉलेज में बनारस गाजीपुर बलिया और भी अलग अलग प्रदेश से आते हैं यहाँ पे BSC AG के छात्र, वो दूर दूर से आने के बाद वो बाहर हॉस्टल में रहते हैं, और जो हॉस्टल है उसमें छात्र के अलावा हॉस्टल में टीचर रहते हैं और उनके शिक्षक रहते हैं। यहाँ पे जो कॉलेज की ज़मीन थी उसको प्रबंधक समिति उसको मैरिज हॉल और तब्दील करता चला जा रहा है, न यहाँ पे हॉस्टल है न यहाँ पे शिक्षा है। यहाँ पे जो शिक्षा पहले थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पे न तो एक टीचर है पढ़ाने वाला, यहाँ पे जो योगी सरकार और मोदी सरकार स्वच्छता की बात करते हैं, इतना बड़ा महाविद्यालय है, शर्म की बात है, यहाँ पर एक शौचालय नहीं है। और शर्म की बात यह है कि हम लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं, ना कोई हमसे पूछने आ रहा है, ना DM आया, ना SP आया यहाँ पे, ना ही हमारे प्रचार आए, कोई हमें पूछने के लिए नहीं आया। हम मजबूर थे आज अपने रक्त से ये पत्र लिखने के लिए। छात्र संघ चुनाव के लिए आप लोग बैठे हैं? छात्र संघ चुनाव के लिए